इंदौर के थाना लसूरिया क्षेत्र में आने वाली पंचपटी कॉलोनी में रहने वाली साहब सिंह ने अपने ही ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन मृतक के परिवार को अपने बेटे की मौत एक आत्महत्या नहीं लगते हुए हत्या का अंदेशा लग रहा था और परिजनों ने मृतक की पत्नी और उसके परिजनों पर फंदा लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसकी निष्पक्ष जाँच हो उसको लेकर मृतक के भाई और अन्य परिजन SSP के पास ज्ञापन लेकर पहुंचे। लसूरिया थाना क्षेत्र में रहने वाला साहब सिंह नामक व्यक्ति ने दीपावली के दिन अपने ही ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसकी मौत की खबर के बाद से ही मृतक के परिजन साहब सिंह के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करना नहीं मान रहे हैं। उनका आरोप है कि मृतक के ससुराल वालों ने उसका ट्रक कार भी उनके नाम कर लिया था और उसकी हत्या कर उसको फंदे पर टांग दिया ताकि सबको लगे कि उसने आत्महत्या की है। हमारे बेटे को ऐसा हुआ लगता मेरे को, उसने जैसे जानकारी फांसी नहीं ले ली, फांसी उनको दे के उन्हें खुद ने फांसी देकर उसको टांगा गया, सजा मार कर लटकाया गया। कितना आरोप है आपका? हमारे उनके परिवार के ऊपर, कौन परिवार है? परिवार उनका ससुर जी, साला जी, सांडू, उनके घर वाले परिवार के ऊपर हमारे को शंका पूरी हो रही है। क्यों? गाड़ी भी नाम गाड़ी उनकी खुद की, उन्हें अपने गाड़ी नाम से करा ली है, उनके अपने साले के नाम से गाड़ी करा ली, घर का मकान है घर वाले के नाम से करा लिया, कार भी उनके नाम से करा चुके हो। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।